न्यूजीलैंड अपने इमीग्रेशन नियमों में अस्थाई तौर से तब्दीली करेगा, जिसका उद्देश्य अगले साल 12,000 वर्करों को आकर्षित करना है। इमीग्रेशन मंत्री माइकल वुड ने एतवार को कहा कि न्यूजीलैंड लेबर की घाट को पूरा करने लिए हजारों वाधू कामियां की नियुक्ति करने लिए अपने इमीग्रेशन नियमों में अस्थाई बदलाव करेगा। इसलिए वर्किंग होलीडे स्कीम तैयार की गई है। कुछ समुद्री किनारे वर्किंग होलीडे मेकरस के वीजे भी 6 महीने लिए बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि कारोबार स्टाफ की कमी नाल जूझ रहे हैं। कामियां की कमी एक विश्वव्यापी रुझान का हिस्सा है, जिसने न्यूजीलैंड मजदूरी वधाने में मदद की है। इमीग्रेशन मंत्री माइकल वुड ने एक बयान में कहा कि यह उपाय उन्होंने कारोबारों को तुरंत राहत प्रदान करने बारे ने जो विश्वव्यापी कामियां की घाट नाल सब तो वध प्रभावित हैं। होर कदमों में बुजुर्गों की देखभाल, उसारी और बुनियादी ढांचा, मीट प्रोसैसिंग, समुद्री भोजन और साहसी सैर सपाटा वर्गे खेतरों में हुनरमंद प्रवासियों लिए उजरत नियमों में ढिल शामिल है। उन्होंने कहा कि हुनर के पदर और सैक्टर कर्मचारियों की चुनौतियों को देखा जा रहा है और न्यूजीलैंड इस विच इकला नहीं है। ये उपाय उदों आते हैं जदों दूजी तिमाही में बेरोजगारी की दर 3.3% से सी, जदों उजरता भी साल से 3.4% वध सन, जो 14 साल में सब तो तेजी नाल वध रही ने। पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड के रिजर्व बैंक ने महंगाई से लगाम लगाने लिए लगातार 7वें वाधे में अधिकारित नकद दर 50 आधार अंक वधा के 3.0% कर दिता।